हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्दीप चैनल। आज बहुत अच्छा हर्ब हम आपके लिए लेके आए हैं। ये ड्राइड फॉर्म है इस हर्ब की। बहुत ही इसके लाभ हैं, बहुत इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बाकी सभी लोगों के लिए इसकी अगर पहचान हो जाए, इसके गुण जान जाओ तो घरों में हो बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये कमल के फूल हैं, सुखाए हुए हैं, जिसे हम नीलोफर भी कहते हैं। ये नीले जो आसमानी रंग के फूल होते हैं उसका सुखाया हुआ पार्ट है। ये देखिए, यहाँ से इसे ये फूल है, पर हमारे पास सुखाए हुए पार्ट हैं, तो मैंने इस तरह सूखा हुआ हर्ब ये रखा है। कमल के फूल कुमुद भी कहते हैं और इसे पुंडरीक भी कहते हैं, नीलोफर भी कहते हैं। नीले वेराइटी के होते हैं, पुंडरीक रेड वेराइटी के होते हैं, पर मैं आज आपको नीलोफर के बारे में बताऊंगी। और इसके फ़ायदे हैं कि किसी भी जाति, किसी भी रंग के जो कमल और कुमुद के फूल, कुई के फूल आप लेते हो, सबके गुण एक समान है, आयुर्वेद में मेंशन है। एक ना मिले तो दूसरी वैरायटी से हम काम चला सकते हैं। और इसमें इसके बारे में कहा जाता है, बहुत ठंडा होता है, शीत प्रिय है, कषाय रस है, एस्ट्रिंजेंट है और ब्लीडिंग को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। किसी की अचानक की एंग्जाइटी की वजह से हार्ट बीट बहुत बढ़ जाए या उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो उसी टाइम कमल के इन फूलों को कुछ फूल ले लें, 8 से 10 ले लें। इनको थोड़ा सा पानी में ना, आप गर्म पानी एक बार कर लें, उसमें नहीं उबालना, गर्म पानी में उबले हुए में डाल के रख देना है, उसके बाद ठंडा करके पिलाना है, बहुत फ़ायदा होता है। और जिन लेडीज़ को अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो जाए, मान लो शुरू के कुछ महीनों में, तब भी इस तरह से ही कमल के फूलों का फांट कि इसको गर्म पानी में डाला, उबालना नहीं है, नीचे रख के ही, आपने अग्नि से नीचे रख के उसमें फिर ये कमल के फूल डाल देने हैं। उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा करके, ताज़ा या ठंडा शीतल फिर करके पिलाना है, तो उससे बहुत फ़ायदा है। ब्लीडिंग एकदम स्टॉप हो जाती है। आप कोई भी इनएविटेबल अबॉर्शन या हैबिचुअल अबॉर्शन, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको आप टाल सकते हैं। मेडिकल सुपरविजन तो उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, पर आप एक घर पे एक फर्स्ट एड की तरह इससे काम ले सकते हैं। और अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार हो, बुखार उतर ना रहा हो, पर उसके साथ साथ हमें जो है कार्डियक प्रोटेक्शन भी करनी है, आयुर्वेद में जिसे कहा है कि हार्ट की प्रोटेक्शन करनी है, हृदय का लाइक संरक्षण करना है, उसके लिए कमल के फूल का जो काढ़ा है बहुत कम अग्नि पर पकाना है। उस टाइम पर पानी रख के उसमें लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, मलेठी, खस, ये डाल के हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। इन हर्ब्स के मैं अलग अलग वीडियोस भी डालूंगी। आज कमल के फूलों के बारे में मैंने जो बताया कि बहुत अच्छा है, ब्लीडिंग स्टॉप करने में बहुत अच्छे हैं। किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो या लेडीज़ को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये बहुत अच्छे हैं। लेडीज़ के इन कई प्रॉब्लम्स के उस पर मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पर ये इन चीज़ों का ये जो है रेयर हैं, पर आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाती हैं। कुछ मैंने इनके अच्छे गुण हैं जो आयुर्वेद में बताए गए, कि बहुत शीतल है, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत अच्छा है, फीवर में बहुत अच्छा है, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो बहुत अच्छा है। आइस वॉश करने के लिए इसका पानी बना के ठंडा करके रख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके आयुर्वेद को और भी बढ़ाते रहें।